गाइज हेलो, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग फ्रेंड्स। सो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो जी, आज अभी टाइम हो रहा है, सुबह के 7 बज रहे हैं और उठी थी मैं, आज जल्दी उठ गई थी। आज मैं उठी थी सुबह 3 बजे उठी थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था आज राहुल जी ने जाना है, तो आज राहुल जी तो चले गए। राहुल जी और जिया जी, ये दोनों गए हुए हैं वहाँ पे, ऋषिकेश गए थे। आज सुबह निकल गए थे, मतलब 4:30 बजे निकल गए थे ये लोग। तो जी, मैंने उनके लिए आलू के पराठे वगैरह बना के पैक करके दे दिए थे और साथ में अचार डाल दिया था। तो अब जिस टाइम भी जहाँ पे भी रुकेंगे, खाएंगे, खा लेंगे वो लोग। और एक तौरी भी आए हुए हैं, एक तौरी और बच्चे सब कर रहे हैं अंदर रेस्ट। और मेरा किचन का ना काम हो चुका है, देखो किचन का मेरा काम हो गया था, बट अब मैं आई हूँ बनाने चाय। तो मैं भी ना सो गई थी उनके जाने के बाद, थोड़ी देर सो गई थी, कुकू उठ गई थी, तो इसलिए कुकू को सुलाते सुलाते मैं भी सो गई। तो जी, अब मैं एक तो चाय बना लेती हूँ सब मम्मी पापा के लिए और अपने लिए भी, क्योंकि चाय नहीं पी थी। तो चाय पी के फिर करेंगे और काम। सो फ्रेंड्स, अब सो मैंने अब किचन तो कर दिया पूरी क्लीन, किचन का मैंने सारा काम खत्म कर दिया। यहाँ पर मम्मी पापा की चाय रखी है, ऊपर गई थी मम्मी पापा के पास पर वो लोग अभी उठे नहीं हुए हैं, तो इसलिए ये किचन पूरी क्लीन है मेरी। अब पहले मैं बाहर से झाड़ू कर लेती हूँ, यहाँ से झाड़ू करके यहाँ से पूरा धो दूँगी, क्योंकि काफ़ी गंदा हो रहा है ऐसे, पता नहीं क्या। एक तो पानी गिरता है ना धूप, ये ओस की वजह से ना, मेरे सोलर है ना ऊपर, उनमें से ना पानी गिरता है, तो पानी गिरता है ना तो यहाँ पे सारे जो ना पानी पानी हो जाता है, तो इस वजह से धोना ही पड़ेगा यहाँ से, बिना धोए ना काम चलेगा नहीं। तो देखना बेचारे, एक पत्ते ना बिल्कुल सूख गए, ये हमारी क्यारी बिल्कुल सूख गई है ये ऊपर की। तो जी, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ झाड़ू, पहले सारे के झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद यहाँ से पूरा आगे तक पूरा फर्श मैं धो दूँगी। पहले झाड़ू ना मैं पूरा लगा रही थी आगे तक, बट हुआ क्या, यहाँ पे ना कुकू ने ये गिलासी में से ना पानी फेंक रखा है, तो पानी फेंकने की वजह से ना जगह जगह पे ना पानी के छींटे छींटे पड़े हैं, और फिर इसलिए ना क्या होता है ना, पानी की जगह पे जैसे झाड़ू लगाओ ना, तो झाड़ू ना टूटने का खतरा रहता है, मतलब झाड़ू जल्दी ख़राब हो जाता है, टूट जाता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने जो छोटी छोटी जगह थी ना वहाँ पे तो मैंने लगा दिया झाड़ू, और फिर है ना उसके बाद जो जहाँ जहाँ पे पानी था ना, वहाँ पे मैंने पानी की जगह पे लगाया पोछा। सो फ्रेंड्स, झाड़ू तो मैंने कर दिया, और अभी क्या हुआ ना कि ये ना लाइट चली गई है, और लाइट चली गई है तो इस वजह से मैं यहाँ से ना धो नहीं सकती, क्योंकि धोने के लिए मुझे चलानी पड़ेगी मोटर, और मोटर तभी चलेगी कि जब लाइट होगी, क्योंकि इन्वर्टर से तो ज़्यादा लोड खींचती है ना, तो इस वजह से इन्वर्टर का कनेक्शन उसमें नहीं करवा रखा मोटर में। तो जी, जब लाइट आएगी तभी धुलेगा बाहर से, तो अभी इतने अंदर से कर लेती हूँ झाड़ू पोछा। यहाँ पे ये बच्चे रहे हैं खेल, कुकू खेलो लड्डू, नहीं कुकू सारा काम हो गया है कंप्लीट, और टाइम हो रहा है अभी, टाइम मतलब काम तो बहुत पहले ही ख़त्म हो गया था, मतलब 11:30 बजे से मेरा काम हो गया था। ऊपर का भी झाड़ू पोछा मैं कराई हूँ, नीचे का भी सारा काम हो गया है, और अब जी टाइम हो रहा है, अभी 3 बज रहे हैं, और मैं भी नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ।
गन्नू जा चुकी है ट्यूशन नहा के, और कुकू और लड्डू वो यहाँ पे सो रहे हैं दोनों बच्चे। दिखाती हूँ, तो जी इन्हें सोने देते हैं और अब मैं करती हूँ चाय की तैयारी, क्योंकि अब चाय बनाएंगे। और दूसरी चीज़, अभी थोड़ी देर में राहुल जी और भी आ जाएंगे, वो थोड़ी देर में नहीं, अभी उन्हें टाइम लगेगा, दस मतलब ऐसे बोल रहे थे, एक दो घंटा और लगेगा पहुँचने में, तो वही पर शाम को 5-6 बजे तक हो सकता है वो पहुँच जाएंगे। तो जी उनके आने से पहले खाना रेडी करना है और अभी बना लेते हैं चाय। तो आ जाइए आप भी चाय पीने। तो अब फ्रेंड्स हो गया है शाम का टाइम, और अब यहाँ पे चाय वगैरह मैंने चढ़ा ली थी, मतलब चाय वगैरह पी के। और फिर पता है क्या, यहाँ पे ना ये सारा ना बाहर सामान पड़ा हुआ था, अभी अभी सारे ऊपर गए थे तो सब चले गए ऊपर, तो है ना ये सारा सामान ना यहाँ पे बिखरा हुआ था। बच्चे भी ऊपर थे, मम्मी भी ऊपर, पापा भी ऊपर, और एकता और आए थे वो भी ऊपर, तो इसलिए मैंने कहा चलो अभी सब ऊपर चले गए तो मैं ना फटाफट से ये सारा सामान ना इसको समेट देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह वही दिक्कत पड़ेगी। और फिर है ना ये जो है ना, अगर बाहर पड़ा रहे ना तो ये ओस में हो जाता है, और अभी आजकल तो इतनी रात में ओस आ जाती है ना, तो इसलिए ना मैंने कहा चलो इसको पूरे को ना मैं इकट्ठा कर देती हूँ, और फिर ना साफ साफ सा भी लगता है जैसे ना, इस पूरे को इकट्ठा करके और फिर मैं यहाँ पे शाम की झाड़ू कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना जैसे वो बताया था ना मैं, पत्ते वगैरह गिरते रहते हैं, तो पत्ते गिरने की वजह से ना ये सारे के पत्ते ही पत्ते हो जाते हैं। अब मैं झाड़ू तो मैं कर रही थी, पर है ना ये जो स्कूटी है ना ये मेरे से हटती नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये ना डबल स्टैंड पे लगी हुई है। पहले तो ये ना सिंगल स्टैंड पे होती थी, तो मैंने इसको हटा लेती थी और हटा के इधर खिसका लेती थी, पर अब है ना ये डबल स्टैंड पे हो गई है ना, तो मतलब राहुल जी ना इसको डबल स्टैंड पे खड़ा करते हैं, तो ये बिल्कुल भी ना हिलती नहीं है मेरे से, और ये हैवी भी तो इतनी है ना इस वजह से, तो इसलिए मैं इसको हिलाती नहीं बिल्कुल भी। चलो कोई नहीं जी, यहाँ पे बस बाकी तो सारा मैंने कर दिया है, अब मैं आ गई हूँ चाय चढ़ाने। तो चाय ना मैंने पहले चढ़ाई थी, क्या हुआ कि वो है ना चाय पता नहीं कैसे क्या वो ना फट गई चाय, उसमें दूध डाल के गई मैं और फिर वो ना चाय फट गई, तो इसलिए मैंने उसको फेंक के फिर अब दोबारा से चढ़ाई है। तो मैं उसी के लिए अदरक वगैरह कूट रही हूँ, अदरक और इलायची कूट के डालती हूँ चाय में, इससे ना चाय में बहुत टेस्टी मतलब बहुत अच्छी टेस्ट आता है चाय में। और अदरक तो वैसे भी सर्दियों में तो फ्रेंड्स वैसे भी अदरक की चाय पीनी ही चाहिए, क्योंकि ना वो चल रहा है ना बच्चों को ना बहुत जल्दी जुकाम खांसी वगैरह जाता है, तो वैसे तो है ना मैं गन्नू को और कुकू को भी चाय देती नहीं हूँ, बट अभी सर्दियाँ चल रही है ना तो इसलिए अदरक वाली चाय ना इनके लिए बहुत अच्छी रहती है सर्दियों में, एक तो गर्म होती है और दूसरी चीज़ इनका ना गला वगैरह भी, अब जैसे खांसी वगैरह चलती है ना और बच्चों के ना कफ बहुत जल्दी जम जाता है ना गले में, तो अदरक वाली चाय से बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड्स। तो मैं तो ऐसे करती हूँ, अदरक और इलायची ज़रूर डालती हूँ चाय में, और गर्मियों में भी डालती हूँ, बट गर्मियों में गन्नू बच्चों को चाय नहीं देती। अब कुकू तो इतना चाय पीने लगी है ना, जिस टाइम भी चाय बनेगी, कोई आया गया मेहमान, कोई गेस्ट आ जाए ना, तो उनकी चाय बनती है उसके साथ कुकू की चाय ज़रूर बनानी पड़ती है, क्योंकि उनकी चाय फिर मांगती है, चिल्ला चिल्ला के चाय मांगती है, तो इस वजह से ना इसको चाय देनी पड़ती है। तो चलो अभी सर्दियों में तो चलो ठीक है, बट गर्मियों में मैं इसको बिल्कुल भी चाय नहीं दूंगी, गर्मियों में मैं वही करूंगी इसको ना दूध वगैरह शुरू कर दूंगी, इसका गिलासी में इजीली पी लेती है ये दूध, इसने बोतल को तो शुरू से ही मुँह नहीं लगाया, जैसे बच्चे होते हैं ना हम बोतल लगा के बोतल मुँह पे लगा के और पीते हैं, तो ये ने इसने शुरू से ही ऐसा नहीं किया है, ये जब से इसने पानी पीना भी शुरू किया था ना तो गिलासी में और बोतल में ही मतलब सॉरी गिलासी में ही पीती है, तो इसलिए दूध पीना इसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जी बस मैंने चाय चीनी चाय पत्ती दोनों डाल दी है, अब फटाफट से थोड़े से ये मेरे ना बर्तन पड़े हुए थे इन बर्तनों को धो देती हूँ, ये चाय के बर्तन थे यहाँ पे, चाय के नहीं सॉरी पहले के कुछ रोटी सब्जी वगैरह खाई थी ना उसके बर्तन थे, तो इन बर्तनों को धो के और फिर ऊपर जाके पियेंगे सब चाय, सबके चाय मैं इकट्ठी ऊपर ही ले जाऊँगी। तो जी यहाँ पे फ्रेंड्स बन रही है एक तरफ चाय और एक तरफ मैं ये दो चार बर्तन रखे हैं सुबह के ये धो लेती हूँ और फिर चाय पियेंगे ऊपर चल के। तो जी यहाँ पे डाल रही हूँ मैं गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म चाय देखते हैं किस किस को चाय पीने का मन कर गया, एकदम टेस्टी और मस्त चाय, और साथ में मटर जो मैंने बनाई थी बहुत टेस्टी मटर बनी थी फ्रेंड्स वो रियली में, आप लोग भी पक्का ट्राई करना उस रेसिपी को। तो जी चाय पी के आ गए हैं वापस नीचे,
और अब बनाना है खाना। तो खाना बनाने के लिए जी क्या लेते हैं, आलू ले लेते हैं। आलू की सब्ज़ी बनवाएंगे आज एकता से, देखते हैं कैसी बनाती है उसके, क्योंकि उसके बहुत खाने की तारीफ़ें होती है, बहुत टेस्टी खाना बनाती है वो। तो जी आज उसी से ही खाना बनवाते हैं, आज किचन का काम उसी को करने देते हैं, उससे काम करवाते हैं। आज मैंने बहुत कम उससे काम करवाती हूँ, पर आज उससे काम करवाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सब हो गया, आज रात का टाइम है, रात को कल तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे हम खाना बनाने में, तो इसलिए जी रोटी तो मैंने सेक दी थी। और यहाँ पे एकता रानी हमारी बना रही है सब्ज़ी, मैंने पूरा किचन का काम इसको सौंप दिया था। मैं कहा तो शाम का आज सारा काम तू ही करेगी, मैंने पहली बार ही शायद इससे काम करवाया होगा खाने पीने किचन का या फिर कोई भी। मैं बहुत कम इसको ऑर्डर देती हूँ काम का, मुझे अच्छा नहीं लगता बेचारी, एक तो वहाँ पर भी घर पर भी काम करती रहती है अपने और यहाँ पर भी काम करेगी तो बेचारा कोई कोई मन करता है इसके हाथ का खाना खाने का, क्योंकि बहुत टेस्टी खाना बनाती है इसलिए। तो इसलिए मैंने कहा चल तो आज तू ही बना खाना। तो जी रोटियां तो मैंने सेक दी थी, एक तो लाइट गई हुई थी रात को, तो यू नो जिस टाइम लाइट आई है ना उसके बाद ही रोटियां सेक पाई, क्योंकि फिर है ना अंधेरे में दिखाई नहीं देता ऊपर। और वैसे तो हम लोग 4 बजे बना लेते खाना, बट कल हम लेट बनाया था खाना क्योंकि राहुल जी ने आना था लेट, तो इस वजह से मैंने कहा चलो लेट ही बनाते हैं। तो जी बस यही आज का ही छोटा सा ब्लॉग था। यहाँ पे ये बच्चों की चल रही है शरारतें, पता नहीं क्या इन्होंने ना सारा आटा लेके और ढक्कन के अंदर भर रखा है, देखो के वो नीचे आटा रखा हुआ है और ये है बोतल का ढक्कन और इसके अंदर इसने ये आटा भर लिया है और बना रहे थे रोटियाँ। घर से मामी देखो मैं आपके लिए रोटी बना रहा हूँ। तो जी बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल VP फैमिली को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स कि आपको वीडियो कैसी लगती है। बाय बाय।